दोस्तों नमस्कार, मैं विजय दोस्त स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल गेटवे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप नया डिस्ट्रीब्यूटर का जो KYC होता है वो आप अपडेट कैसे कर सकते हैं माई लाइफ स्टाइल वेबसाइट के थ्रू। तो सबसे पहले हम माई लाइफ स्टाइल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, आपकी जो लॉग इन डिटेल है उसे लॉग इन डिटेल से आप लॉग इन कर लीजिए। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे आपका ये होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखिए होम पेज पे ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टेटस आपको दिखा रहा है, KYC नॉट अपडेटेड, NFT नॉट अपडेटेड, PAN नॉट अपडेटेड और GST नॉट अपडेटेड। यानी कि आपका जो KYC, NFT और PAN ही अपडेट नहीं है, इसकी आपको अपडेट करना है। इसके लिए हम चलते हैं माई प्रोफाइल सेक्शन में। यहाँ पे देखिए आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करके देखिए यहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएगी, शो कर जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको टैब दिख रहा है NFT डिटेल, PAN डिटेल, आधार डिटेल और GST डिटेल्स। देखिए GST यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका GST नंबर है तो अपडेट कीजिए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम NFT डिटेल को अपडेट करते हैं। इसके लिए NFT डिटेल पर क्लिक करना है आपको। देखिए जैसे NFT डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक का डिटेल आपको फिलअप करना है और उसकी जो कॉपीज़ है जैसे कि स्कैन कॉपी वो आपको अटैच भी करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और बैंक की कॉपी। बैंक की कॉपी में आप चेकबुक का स्कैन कॉपी लगा सकते हैं या फिर पासबुक है तो पासबुक का स्कैन कॉपी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको फिलअप करना है, यहाँ पे आप IFSC कोड फिलअप कर दीजिए। इसके बाद बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का नाम वो बैंक डिटेल आप फिलअप कर दीजिए और ब्रांच कौन सी है ब्रांच का नाम टाइप कर दीजिए, इसके बाद अकाउंट नंबर आप टाइप कीजिए। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना है, इसमें चाहे तो आपका आधार कार्ड जिसमें एड्रेस मेंशन हो या फिर आपका पासबुक जिसमें एड्रेस मेंशन होता है उसको आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। चलिए मैं अटैच कर देता हूँ। यहाँ से मैंने आधार कार्ड अटैच कर दिया है, आपका जो भी है आधार कार्ड या फिर आपके पास पासबुक वो अटैच कर सकते हैं। ID प्रूफ के लिए चाहे तो आप पैन कार्ड अटैच कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड, कोई भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बैंक का कॉपी यानी कि आप चेकबुक या फिर पासबुक का स्कैन कॉपी यहाँ पे अटैच कर दीजिए, तो वो भी मैं अटैच कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपने स्कैन कॉपी अटैच कर रहे हैं उसका जो साइज है 500 KB से कम होना चाहिए, अदरवाइज अटैच नहीं होगी। तो मैंने फिर से यहाँ से फाइल को रिसाइज करके यानी कंप्रेस करके अगेंस्ट से फाइल को सेलेक्ट कर लिया, अगेंस्ट मैं सबमिट क्लिक करूंगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा NFT डिटेल अपडेटेड का, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पैन डिटेल पे क्लिक करना है। पैन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पैन नंबर टाइप करना है, तो पैन नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको पैन का जो स्कैन कॉपी वो आपको अटैच कर देना है, तो चलिए मैं अटैच कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके का एक ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए। अगेंस्ट आपको यहाँ पे पॉपअप का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पैन डिटेल जो होगा वो एडमिन के वेरिफिकेशन के बाद आपका अपडेट हो जाएगा, तो अगेंस्ट इसको ओके कर दीजिए। देन इसके बाद चलते हैं आधार डिटेल पे। तो आधार डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको टाइप करना है, तो आधार नंबर टाइप कर दीजिए। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड जो स्कैन कॉपी आपको अटैच कर देना है, तो चलिए मैं अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद अगेंस्ट आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अगेंस्ट आपको पॉपअप आएगा प्रोसीड करने के लिए, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। सो दोस्तों इस तरह से आपका जो KYC वो अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही KYC आपने जो फाइल सबमिट की हुई है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, ये बैक ऑफिस में जाता है, वहाँ से चेक होने के बाद अप्रूव होने के बाद आपका डिटेल अपडेट होगा। जैसे आपका ये KYC अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपके होम पेज पे आपको दिखेंगे KYC, NFT, PAN, यहाँ पे आपको टिक मार्क दिखेगा यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वो अपडेट हो चुका है। अगर यदि कोई आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको अगेन से क्रॉस दिखेगा, तो अगेन से उसको आप करेक्शन करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स आप टाइप कर सकते हैं। और अभी आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।